नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के जोधपुर दौरे पर है। उन्होंने वहां 5000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अभी 15 मिनट पहले जोधपुर में 5000 करोड़ का लोकार्पण व शिलान्यास किया है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री को यकीन है कि मोदी आएगा तो वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना के 70 लाख लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का नंबर वन टूरिज्म बनाने का लक्ष्य है और यह आपके वोट से ही बन सकता है। आपकी ताकत है, भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान में खुशहाली लाएगी। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। ये फैसला रसोई को धुएं से मुक्त करने के भाजपा सरकार के अभियान को भी मजबूती देगा। राजस्थान को टूरिज्म में नंबर वन राज्य बनाने का है। नंबर वन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर वन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर एक बनेगा। ये जोधपुर में करीब 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा, करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।